अब इसको यहीं पर बेटा छोड़ दो, अब यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, इसको यहीं पर रहने दो, अभी इसका यूटिलाइज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओगे तो ये आपका क्या बेटा 50 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर के प्लेस पर आप 1 मीटर स्क्वायर ऐसे बोल सकते हो, बोल सकते हो 15 × 1 = 15 मीटर स्क्वायर, बात तो सेम है। अब बेटा ये बताओ ये 1 मीटर स्क्वायर × 15 मीन्स 1 मीटर स्क्वायर आपका कितने टाइम्स है बेटा 15 टाइम्स है, 1 मीटर स्क्वायर कितने टाइम्स है बेटा 15 टाइम्स है, मीन्स इस तरह से 1 मीटर स्क्वायर आपका क्या है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर बेटा इस तरीके का शेप है जिसमें लेंथ आपका क्या है बेटा, लेंथ 1 मीटर और ब्रेथ क्या है 1 मीटर, मीन्स इसके टोटल आर्म्स क्या है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर की बात करेंगे मीन्स इस बॉक्स की बात करेंगे जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होगा, मीन्स इस तरीके का 1 मीटर स्क्वायर का शेप की बात करेंगे। यहां तक बात समझ में आई, 15 मल्टी, अब यहां पर चलते हैं 15 × 1 मीटर स्क्वायर मीन्स बेटा 1 मीटर स्क्वायर इसको क्या बोल सकते हो, ये पूरा इक्वल टू क्या आ गया 1 मीटर स्क्वायर, 15 × 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर शेप का कितने बॉक्स बेटा इसमें आ सकता है, 15 बॉक्स आ सकता है, इस तरह से कितने बॉक्स आ जाएंगे बेटा 15 बॉक्स 1 2 3 4 5 बेटा ये एग्जैक्ट बना नहीं है आप समझ जाना, ये कितने 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से ये कितने बॉक्स आ सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर के बेटा 15 बॉक्स। अब आप एक नंबर करके आप कंफ्यूज मत होना, मैं समझने के लिए सिर्फ बोला हूँ, ओके। नहीं समझ में आएगा बेटा व्हाट्सएप पे एक बार जरूर मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं फिर से बता दूंगा, मेंसुरेशन में कुछ नहीं है, मेंसुरेशन एक बार समझ गए आप, सबसे टफ इसका प्रिज्म लोग बोलते हैं आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप उसको भी सॉल्व कर लो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैं वो भी सॉल्व कर लोगे, थोड़ा प्रिज्म थोड़ा उसको लोग बोलते हैं, आप में जितना सिलेबस है बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर लोगे, थोड़ा अच्छे से इसको ट्राई करो, मैं भी एफर्ट कर रहा हूँ आप भी एफर्ट करो इसको समझने के लिए, मीन्स आपको ये आइडिया मिल गया बेटा कि इस तरह 1 मीटर स्क्वायर के कितने बॉक्स इसमें आएंगे, 15 बॉक्स आएंगे, ठीक है। अब जैसे आप परचेज करने गए, क्लोथ परचेज करने गए, ठीक है, सपोज एरिया की बात करते हैं, सॉरी एरिया की बात करते हैं, सपोज आपका ये क्या है, आप सिर्फ इसको इस शेप को लेना, ठीक है, सिर्फ इसकी बात कर रहे हो, ठीक है, मीन्स इसके ऊपर हमें कितना कलर कर सकते हैं, ठीक है, या इसके ऊपर हम कितना पेपर यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर बेटा इस तरीके का पेपर हम यूज कर सकते हैं, इतना पेपर इस पे जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये पूरा ये आपका क्या हो गया बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ से ये पूरा आपका क्या हो गया, ये एरिया हो गया, तो एरिया की बात करोगे तो हमेशा मीटर स्क्वायर मीन्स इसमें इसको कवर्ड करने में, इस रेक्टेंगल शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है, इसको कवर्ड करने में आपको कितना पेपर यूज होगा, तो उस टाइम में आप क्या यूज करोगे बेटा, एरिया, मतलब क्या फाइंड आउट करोगे आप, एरिया फाइंड आउट करोगे कि इसको कवर्ड करने में कितना पेपर यूज हुआ, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी अगर बात करूं, अब हम इसकी एरिया की अगर बात करें, किसकी एरिया की बात कर रहे हैं, ये कैसा शेप है बेटा, ये रेक्टेंगल शेप है, कैसा शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। अब इसकी एरिया की बात करेंगे मीन्स इसमें एक कितना पेज आपको लगा, या इसके ऊपर आपने कितना इस तरह से इसके ऊपर आप इसको किसी भी चीज से आप कवर करने में कितना स्क्वायर यूनिट का आपको पेज चाहिए, कितना स्क्वायर यूनिट का आपको क्या चाहिए बेटा, क्लोथ चाहिए, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एरिया जब भी फाइंड आउट करना होगा तो हम किसके टर्म में बात करेंगे, लेंथ और ब्रेथ के टर्म में बात करेंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो रेक्टेंगल शेप स्क्वायर शेप
ओके उस टाइम पे, अभी जो हम लोग रेक्टेंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको कवर्ड करने में, इसको पूरी तरह से ढकने में, कवर्ड करने में कितना क्लोथ, कितना पेज यूज होता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा उस टाइम में हम क्या करेंगे बेटा, इस लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आई? ओके बेटा, आपके टॉपिक में अब आता है मेन मेंसुरेशन की जो टॉपिक आएगी, क्यूब वॉइड। अब तक आपने क्या पढ़ा, जो भी पढ़ा, ओके जो भी पढ़ा वो आप ऑलरेडी यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लास। अब आपका इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, कुछ क्यूब वॉइड के बारे में हम बात करेंगे। क्यूब वॉइड क्या होता है बेटा, जब इसकी बात करेंगे, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें भी लेंथ है, ये क्या है बेटा लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये क्या है बेटा ब्रेथ है। यहां तक बात समझ में आई? ये इसमें कितने डायमेंशन कितने है बेटा, इसमें डायमेंशन कितने है, एक लेंथ डायमेंशन है, एक क्या बेटा ब्रेथ डायमेंशन है। तो इसको हम 2D बोल सकते हैं, क्या बोल सकते बेटा, यू कैन से इट इज अ 2D शेप। किस तरह का शेप है, इसमें बेटा एक लेंथ है, एक ब्रेथ है। तो लेंथ आपका एक डायमेंशन डायमेंशन हुआ, ब्रेथ आपका वो भी एक डायमेंशन, ए डायमेंशन ए डायमेंशन मिला के दो डायमेंशन। तो इसको कौन सा शेप हम बोल सकते हैं बेटा, 2D शेप। क्या बोल सकते हो बेटा, 2D शेप। D4 क्या होता है बेटा, डायमेंशन होता है, ओके डायमेंशन होता है, डी रिलेट्स डायमेंशन। तो अब हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग 3D के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, 3D। 3D मीन्स क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, 3D मीन्स 3 डायमेंशन जो होगा, क्या होगा, D4 डायमेंशन, 3 डायमेंशन होगा। अब 3 डायमेंशन जिसका होगा तो मीन्स उसमें क्या क्या मिल सकता है, आप सोचो। एक तो इसमें तो क्या मिला, 2D था, तो एक लेंथ मिला, 2D था सिर्फ, तो एक आपका क्या मिल गया बेटा, एक लेंथ मिला, एक क्या मिल गया, ब्रेथ मिल गया। ठीक है, जब 3D डायमेंशन होगा तो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, 3D डायमेंशन होगा। तो मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो बेटा, उसमें अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अगर मिलता हो, ठीक है, तब उस टाइम में वो उसको क्या बोलोगे आप, 3D, और यू कैन से 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। अब इसको आप कौन सा शेप बोल सकते हो, आपके सामने क्या बेटा, डस्टर। इसको कौन सा शेप बोलोगे, इसको आप पता करते हैं ऐसे डायरेक्टली कैसे हिट करोगे कि नहीं, टारगेट करोगे कि नहीं ये 3D है और यू कैन से 2D, ओके 2D और 3D, अभी आप लोग डिसाइड कर लोगे। हम इसको देख रहे हो, ये आपका क्या बेटा, ये लेंथ है, यहां से चले यहां तक आई, लेंथ हो गया। ये आपका ये क्या है बेटा, छोड़ो, ये आपका क्या है, लेंथ है। फिर जस्ट अब लेंथ है तो जस्ट इसके साइड में ये आपका जो है नीचे वाला पार्ट, ये क्या है बेटा, ब्रेथ है। ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। इसके बाद लेंथ ब्रेथ, ये क्या हो गया बेटा, हाइट हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने डायमेंशन मिले, और ये नहीं क्या डायमेंशन, तो ये भी कई सारे डायमेंशन है। ठीक है, अब जैसे इसमें था, इसमें डायमेंशन में क्या था, ये भी डायमेंशन, ये भी डायमेंशन, ये भी डायमेंशन, ये भी डायमेंशन। इस तरह से आपको यू कैन से आई हैव 4 डायमेंशन, डायमेंशन 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 डायमेंशन, 1 2 3 4, यानी 4 डायमेंशन, बट इट इज रॉन्ग। ओके, यहाँ पर डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पर किस तरीके का टर्म मिल रहा है, ए लेंथ है तो इसको भी आप लेंथ ही बोलोगे, क्या बोलोगे, लेंथ बोलोगे। ए ब्रेथ है तो इसको भी आप ब्रेथ ही बोलोगे, मीन्स किस तरह का टर्म मिला, लेंथ मिला, ब्रेथ मिला, मीन्स सिर्फ 2D मिला, लेंथ एंड ब्रेथ। उसी तरह से इसमें किस तरह का डायमेंशन मिला बेटा, लेंथ मिला और ब्रेथ मिला, और उसके साथ साथ ही हाइट मिला, मीन्स आपके पास यू हैव 3D, और यू कैन से यू हैव 3 डायमेंशंस।